व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक वो पुशर्स जो क्लैश ऑफ क्लैन में बहुत ज़्यादा पुश करना पसंद करते हैं वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, या फिर जिन्हें भी पुश करना अच्छा लगता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जब आप अटैक करते हैं तो आपको बहुत कम ट्रॉफीज़ मिलता है। अगर आप 3 स्टार कर देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-19 ट्रॉफीज़ ही मिलती है अगर आप जितना ऊपर जाओगे। तो ये बातों से तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या चीज़ के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज बता रहा हूँ कि आप एकदम जब भी आप अटैक करोगे तो आपको सबसे हाईएस्ट ट्रॉफीज़ कैसे मिल सकती है। लाइक 50-55 तक भी आप पहुँच सकते हो। ट्रॉफीज़ का लेवल जो होता है वो 50 भी आपको मिल सकती है मैक्सिमम। तो ये कैसे होता है मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगा, पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा चीज़ है या फिर ट्रिक है जो आप जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। लाइक आपको सबको पता है ये चीज़, बट आप सिर्फ इग्नोर कर देते हैं जिसके वजह से आप इसका मज़ा नहीं उठा पाते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वो ट्रिक के बारे में जिसके वजह से हम लोग एकदम हाई ट्रॉफीज़ अचीव कर पाएंगे गेम में, और आपका ट्रॉफी पुशिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग ने देखा होगा कि मैं अपना ये वीडियो टाउन हॉल 10 के अकाउंट से बना रहा हूँ, ना ही अपने मेन अकाउंट से। तो इसका यही रीज़न है क्योंकि ये टाउन हॉल 10 का अकाउंट मैं ज़्यादा नहीं खेलता, तो ये अकाउंट में बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। पता है मैक्सिमम लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जो लोग खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस वो लोग को कभी भी उनके बेस पे कोई अटैक होता है ना, तो वो लोग सिर्फ वो अटैक को देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, पर वो वहाँ पर एक चीज़ मिस कर देते हैं। वो जो है आपको मिलेगा यहाँ पे रिवेंज, और आप लोग रिवेंज छोड़ देते हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज आप मिस आउट कर देते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक दो रिवेंज दिखाऊंगा, और यहाँ पे अगर आप ट्रॉफीज देखोगे तो 22-32 और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये मैं आपको तीसरे नंबर पर दिखाऊंगा, ये अभी प्लेयर ऑनलाइन है तो, और ये चौथे नंबर पर जो प्लेयर है अगर मैं इसका ट्रॉफी दिखाऊंगा तो आपको 37 ट्रॉफीज मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा है 37 ट्रॉफीज। और यहाँ पे अगर मैं उसके नीचे वाला फिर आपको रिवेंज में दिखाऊंगा तो देखो आपको 45 ट्रॉफीज मिल रही है। 45 ट्रॉफीज़ मिलना इस बहुत बड़ा बात, एक बार में आप बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हो 45 ट्रॉफीज़ के वजह से। और फिर मैं आपको दूसरे उसके नीचे दिखाऊंगा तो आप 39 ट्रॉफीज़ ले सकते हो, और अगर आप मल्टीप्लेयर अटैक में कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-19 मिलता है। और रिवेंज अगर आप लोग मिस आउट कर देते हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को मिल जाता है, हो जाता है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो 44 ट्रॉफीज़ आपने मिस आउट कर दिया है, तो आपको अपना रिवेंज में जाके देखते रहना है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये गार्ड है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी आप रिवेंज के लिए अटैक कर रहे हो तो कभी कभी होता है वो लोग ऑनलाइन रहते हैं, या फिर कभी कभी वो लोग का गार्ड एक्टिव रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है ना, सुबह के टाइम पे आप करो तो ज़्यादा ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप रिवेंज करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 58 ट्रॉफीज़ मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा 58 ट्रॉफीज़, लगभग 60 ट्रॉफीज़ तक आपको ये बेस को पूरा 3 स्टार करने से मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देखो डिफीट होने पर सिर्फ एक ट्रॉफी जाएगा, तो ट्राई तो आपको पक्का करना चाहिए ऐसा सब बेस। तो ये जो रिवेंज है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो कभी भी इसको आप कभी मिस आउट मत करना और ना ही कभी इग्नोर करना, तो जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको इतना ट्रॉफीज़ तो मिल रही है पर आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो ये फार्मर नाम का एक प्लेयर है, ठीक है, तो अब मुझे इसको रिवेंज करना है, तो मैं तो एक रिवेंज गया और यहाँ पर उसका बेस देख लिया, अब डायरेक्ट अटैक करने के लिए मेरे को बोल रहा है। अब मैं अगर एंड बैटल करूँगा और यहाँ पर जाके सिर्फ इसको विजिट करता हूँ तो मैं इसका पूरा बेस को देख सकता हूँ, इसके सीसी ट्रूप्स में देख सकता हूँ कितना ट्रूप्स है। अभी देखो 0 ट्रूप्स है, तो जब इसका 0 ट्रूप्स है तब मैं इसको अटैक कर सकता हूँ। तो इससे बहुत अच्छा से पता चल जाएगा, मैं एकदम प्लान करके एकदम 3 स्टार करके उसका पूरा ट्रॉफी भी ले सकता हूँ। और ऐसे करके आप बहुत जल्दी जल्दी पुश भी कर सकते हो और अपना लीग भी बढ़ा सकते हो। तो यार आज का वीडियो यही था सारे पुशर्स के लिए, क्लैश ऑफ क्लैंस के सारे पुशर्स के लिए जो बहुत जल्दी सोचते हैं पुश करने का, तो वो ये चीज़ करके बहुत जल्दी और ज़्यादा ट्रॉफीज़ के साथ पुश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियोज़ में हर एक दिन लेके आता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके सामने जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, तो जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप आके देख भी लोगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी मस्ती के साथ, तो कहीं नहीं जाइएगा, कल फिर हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए बाय बाय।